बाबा दूर से ठंडा भाई को ठंडा हाँ ठीक है गिरसी नहीं श्री सद्गुरु महाराज की जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगले साल जो बीत गया उनका भुला दे गम, नया साल आने वाला है उसको कीजिए वेलकम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो जो भव से उतारे पार। ईश्वर का निशानी
आप रोगी नहीं है, स्वस्थ हैं, आप सुखी हैं, हाथ में आपका सब कुछ है, पत्नी आज्ञाकारी है, पुत्र आज्ञाकारी है, जहां बसे हुए हैं वो समाज भी ठीक है, तो समझिए आपका सुख हर दिन आपका साथ रहेगा। एक पंडित जी थे, उनका एक बेटी था, जहां पर रहते पूरा समाज विरोधी उनका था, जहां पर रहते थे पूरा समाज विरोधी, बेटी जवान है, एक आदमी को पूरा गांव लगा हुआ है, जब भी कोई रिश्ता आता था कोई ना कोई बोल देता था रिश्ता नहीं होता था, लड़की जवान हो गई, कहा पिताजी अब क्या कीजिएगा, अपने से खोजिए, लाज करने से होगा, बेटी तो आप ही का है, लोग को भेजते उसका मने में नहीं, भंती मार देता है, इसलिए अपने से जाइए खोजिए। पंडित जी स्वयं अपने से जाते हैं, जिस जगह पर गए उनका बेटा विदेश में पढ़ता था, लड़का घर आने वाला था, कहा ठीक है लड़की तो आपका बढ़िया है, सुने हैं हम, देखे नहीं है, खानदानी आदमी आप हैं, लड़का को आने दीजिए, लड़का देख लेगा तो संबंध पक्का हो जाएगा, लेकिन हम देखने नहीं, युग जमाना खराब है, हम देख के उसको पसंद नहीं हुआ, लड़का देखने जाएगा पसंद हो जाएगा बात पक्का, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप ही का राजवंशी एक तो है, आयोजी पर सुने गए थे, वो बोल रहा था बाबा हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको लड़की वैष्णव चाहिए, यही मेरा दान दहेज है बाबा, हमको लड़की वैष्णव चाहिए, दीक्षित चाहिए, हर तरह से बढ़िया होना चाहिए, दहेज नहीं चाहिए हमको, वैष्णव और दीक्षित, यही उनका दान दहेज होगा, ऐसा लड़के वाला होगा, समय आने पर हम खोज करेंगे, बिना दहेज का हम शादी करेंगे। विचार अपना अपना सबका होता है। लड़का घर आया, पिताजी कहते बेटा तुम विदेश से 3 साल पर घर आए हो, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, इसलिए तुम ये लड़की का बाप आया उनके साथ तुम चले जाओ, लड़की देख लेना, अगर पसंद हो जाए तो बात पक्का कर लेना, शादी विवाह करा देंगे, अब तुम फिर पढ़ने चले जाना। वही हुआ, 4 चक्का लिया, बैठाते हैं लड़की का बाप को, ड्राइवर लिया, लड़का चल रहा, कहा पिताजी ये सब साइकिल कहां जाता है, नेपाल जाता है, कहा काहे के लिए, ये सब माल किनता है इंडिया में बेचता है नेपाल में, कहा माल बिक गया बिकने के लिए बाकी है, कहा माल बिका कहां भी माल जेबे करता है तब न वहां बिकेगा, लड़का पागल तो नहीं, कैसा कैसा बोलता है, मन में सोचता है सामान बिकने जा रहा है बाबूजी बिक गया कि बिकने के लिए जा रहा है, खोपड़ी सरका हो जाता लड़का, फिर रास्ते में कहते बाबूजी यहां मेरे गांव बसलो सुन कर रो छे, आपका गांव बसा हुआ है उजा हुआ है, ये कोई बात हुआ, बस्ती में बसता है, लड़का सही है पागल है। जैसे लड़का पहुंचता है द्वार में, पिताजी बिछावन धर लिया, बिछावन पकड़ने क्या कर, भागे फूटा हुआ है, बिना दहेज का हो जाता संबंध, लड़का लेकिन पागल भी आता है। लड़की कहते पिताजी क्या हुआ आपको, लड़का तो बढ़िए,
ऐसा लड़का कोई छोड़ता है? कितना बढ़िया बातचीत करता हमसे, कहा बेटी जैसा बोलता ना पगला ऐसा बोलता है। कहा क्यों? वो कह रहा है बाबूजी यहां घर बस्ती छे उजड़ो छे। कहा ठीक है, तो कहता है इतना बड़का गांव आपका और कोई देखने लड़का नहीं गया, आप ही अपने से गए, उजड़ा हुआ बस्ती आपका है, बसा हुआ बस्ती आपका रहता, कोई ना कोई जाता सगा संबंधी आपका दोस्तदारी जाता, अपने से गए लड़की से गए। इसीलिए कहा कि बाबूजी यहां बस्ती बसलो उजड़ो छे। तो ये बात है बेटी, आज साइकिल बनवाने नेपाल जा रहा है, अभी माल तो बिका नहीं, अभी जेबे करता है, बाबूजी बिकलेगी बिकलेगी। कहा बाबूजी ऐसे भी लोग सामान खरीदते पहले पता करते हैं क्या भाव क्या दाम, तब सामान पहुंचाते हैं। ये माल तो बिका हुआ है, ये वापस तो नहीं आएगा, जितना साइकिल नेपाल जाएगा माल बिका हुआ ही वापस नहीं लाएगा, चाहे घटा में भाग जो। इसलिए बाबूजी ठीक है कहा, माल बिका है बिक्री के जा रहा है। कहा सब बाबूजी सब माल बिका हुआ है, जाएगा माल नेपाल सब बिक जाएगा बिका हुआ माल। ऐसे भी लोग घर से सामान ले आते हैं, एक मुट्ठी चावल एक मुट्ठी धान गेहूं ले आते हैं नमूना के रूप में, देखिए क्या दाम रहेगा, हाँ फल्ला दाम है, गया तो ये मुट्ठी करके माल पूरा गोदाम बिक गया उनका, 10 क्विंटल 20 क्विंटल इतना सब बिक जाते हैं। इसीलिए बाबूजी लड़का ठीक है, बात पक्का कर दीजिए, बात पक्का हो गया शादी विवाह करा दिया, जो पूरे गांव लगा हुआ था होने नहीं देंगे, अच्छा बहने शादी हुआ पूरे गांव बदत लग गया। इसलिए कर भला हो भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा हो बुरा, करके बुराई देख ले। इसलिए करते हैं, सुन रहे थे हम लोग वो परमात्मा कैसा है, बड़ा के बड़ा, इतना बड़ा है उससे बड़ा कोई नहीं, इतना छोटा है उससे ना कोई है भी नहीं, बिंदु रूप में। अरे बिंदु लोग लिखते हैं, बिंदु नुक्ता को बिंदु कहते हैं, वो बिंदु परमात्मा का है, वो लिखा पढ़ना आता नहीं, बारीक है, इस आंख देखने की शक्ति नहीं है, आंख बंद करके जो बिंदु उदय होता है वो परम बिंदु परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए कहने का भाव मनुष्य ने मिला है, हम लोग कोई पूजा करा लेते हैं, कोई कीर्तन करा लेते हैं, कोई पंडित जी को लाते हैं घर का नियो लेने के लिए, यहां सत्संग करा के ले रहे हैं, क्यों? उनका पिताजी सत्संग में है, गुरु भक्त है, उनकी मां भी गुरु भक्ति थी, अवधेश जी को भी संभव बना के लाइन पकड़ा दिए, वो भी दीक्षा ले लिया है। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा, आज पहला साल का शुरुआत में सत्संग करा करके घर का मिल लेंगे तो उनका मंगल भवन या मंगल हरी दर्व शुद्ध शरत अजीर बिहारी। लंका कांड पढ़िए आप, कहीं मंगल नहीं आया सब, लंका कांड में पूरा घटना घटा है, रावण राम के साथ में रावण का जीव भी है, कहीं पर मंगल नहीं आया है। अब पढ़िए अयोध्या कांड, मंगल मूर्ति मंगल मन कितना बार मंगल सुनाया है, लंका का कहीं मंगल नहीं आया है, क्यों? अरे कितना चलाकी रावण किया, जो घर बनाया भगवान शंकर पार्वती के लिए वही घर दमन में मांग लिया, पार्वती दे भी दिया और श्राप दिया, ऐ रावण बहुत कहने पर मेरे पति घर बना कर दिया था, तुम रहने नहीं दिया को दिन हमको, आज तुम पूजा करने आया और दमन में तू ले लिया, जाओ श्राप देते हैं तुमको, इतना जल होगा इतना धन होगा तुमको इस घर में,
तुम्हारे सामने धन चला जाएगा, जन चला जाएगा और तुम्हारे साथ कुछ नहीं रहेगा। जैसा कुत्ता मरता है अनाथ पड़ा हुआ रहोगे। आखिर क्या हुआ? रावण उस घर में रह करके बहुत कुछ किया, देवता दानव मानव में शासन किया और परिणाम अंत में क्या हुआ? कुपदी घुस गया, सीता को लंका ले गया, अपना पाप को लंका बुलाकर ले गया। सीता कौन थी? सीता को रावण ही सृष्टि किया था, साधु का खून खींचा था, घड़ा में जमा किया था। आकाशवाणी हुआ, ऐ रावण ये घड़ा जहां पर रहेगा अकाल पड़ जाएगा। रावण नेपाल भेज दिया, वहां पर गाड़ दिया, उसी खून से सीता जी जन्म लिया है, वहां अकाल पड़ गया। जनक जी हल चलाए हैं, धरती माँ का पेट चिरा है, जैसे ही उस घड़ा से लड़की निकला है। रावण का साधु का खून किया हुआ पाप रावण ने सीता का पैदा किया नेपाल में। और क्या हुआ? स्वयं पाकर के स्वयंवर हुआ, रावण गया था लेकिन धनुष उठा नहीं सका। ऐ सीता तुमको लंका ले जाएंगे हम, कह दिया था लंका तुमको ले जाएंगे हम, इसके पास क्या है? मेरे पास वो संपत्ति है, तुम देखी नहीं हो, एक बार देख लो तो कैसा संपत्ति मेरे पास है। उसी मौका तलाश में था, सीता को वनवास हुआ और वहां से उठा लिया, लंका ले गया। देखो सीता क्या क्या मेरा घर हुआ, देख लो। कहते सोना का ईटा था उनका, सोना का ईटा था, छज्जी रूपा का था और मणि का फस था। ऐसा मकान सीता देखा, कहा देखो कितना बल हमको है। सीता एक बार देखो हमको, मेरे महल को देखो तुम और हां कर दो, हम तुमको प्रणाम करेंगे। पुरानी तरह हो गई तो सीता ने क्या कहा? आए रावण मेरा पति सूर्य है, तू भुजगुन्नी है, जो सूर्य को देखा है इसको क्या देखेगा? थूप दिया रावण के मुंह में, फिर विश्राम का समय देते हैं तुमको एक महीना का, तो मान जाओ बात को हमारा, इतना सुख क्यों तुम छोड़ रही हो? रावण के घर में अन्न पान भी नहीं किया, अशोक वाटिका में सीता रहने लगी। भीषण की पत्नी शर्मा जाती है, बहन मेरे पति चले गए हैं आपका रामा दल में सेवा करने के लिए, लंका में आप आई हैं, आपका सेवा हम करेंगे। देखिए भरत तो भक्ति में जाता है, भीषण गए हैं लंका से राम का सेवा करने के लिए, सीता लंका आई है उनका सेवा करते हैं। शर्मा भीषण की पत्नी, वहां भी सेवा होता है सीता का, और खाते क्या है? रावण का अन्न पुण्य नहीं खाता है, देवता आते सुर से आते खीर करके खा लो, सीता खीर खाते हैं स्वर्ग का, रावण का अन्न पुण्य नहीं खाया। कहने का भाव, ये संसार में जो भी आए हैं वो जाएंगे, जिसका उदय हुआ है उनका अस्त होगा, जो जन्म लिया है बुरा होगा, कि बीच में कब किसका क्या होगा कोई नहीं देखा। जो हर का नियम क्यों लेते हैं लोग, इसे मुहूर्त क्यों देखते हैं? हज का समय होता है, कोई घर बना दिया है, पैसा खत्म, घर ठाच है, 10 साल पड़ा हुआ घर पैसे नहीं जुमे, क्यों? काल का मुंह चला गया है, इसलिए काल खा जाता है, बन नहीं पाता है, इसलिए समय मुहूर्त करके घर का मुंह डालते हैं, ताकि आपके समय बढ़िया रहेगा, अनुकूल रहेगा। पैसा आपके पास नहीं भी है, जहां हाथ फैलाएंगे वही मिल जाएगा, आपका काम बनते रहेगा, दिया जाएगा। कहने का भाव, एक लड़का गया पान का दुकान में पान खाने के लिए, जब पान खाने गया
तो उस दुकान में एक फोटो था, उस फोटो को देखकर कहते किसका फोटो है, का हिंदू का भगवान है, का कौन भगवान है, का कृष्ण भगवान है, का भगवान का पैर में चपलो नहीं, नंगा कैसा हिंदू लोग है, वो कौन था, रहीम रहीम मुसलमान खानदान के थे, और वे सोचते हिंदू लोग कैसा है, भगवान को कपड़ा नहीं पहनाया है, इतना सुंदर चेहरा है, पैर में चप्पल भी नहीं है, कैसा हिंदू लोग पूजा करता है। कहा भाई साहब आप तो हिंदू हो और भगवान को रखे हो तो नंगा क्यों रखे हो, जूता पहना दो, कपड़ा पहना दो, कतु भी पहना दो। अरे ये तो फोटो है, ये फोटो उनका है, कराता कहां है, का वृंदावन उनका धाम है, वही रहता है। रही मुसलमान होते हुए भी घर जाते हैं जूता किला कपड़ा किला जाते हैं वृंदावन पैदल पैदल चलते चलते पहुंचा वृंदावन मंदिर में, वही रूप जो देखा था फोटो में वही भगवान का रूप मंदिर में। पुजारी से कहते हैं ए पुजारी बाबा भगवान का पूजा करते हैं आप लोग, अब पैर में चप्पल नहीं अब कपड़ा नहीं, ऐसा भक्ता लोग हैं, हम लाए हैं पहना दीजिए। कहा तुम मुसलमान हो, तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनेगा, चप्पल नहीं पहनेगा, तुम अंदर जा नहीं सकते हो, गेट में रोक दिया। मन में सोचते हैं भगवान क्या मेरा अधिकार नहीं है आप कुछ बात पहनाने का, पुजारी निकाल दिया मंदिर से, मंदिर का गेट से बाहर रहीम लोग रो रहा है, सब सो गया, भूखा प्यासा रहीम मंदिर से बाहर रोता है, हे भगवान क्या मेरा भाग में नहीं है आपको प्रणाम कर सकूं, जूता पहना सकूं। भगवान कहे पिघल गया, रात में आते भगवान कृष्ण के पास, रहीम बाबा अरे पत्थर का मूर्ति आपसे बोला नहीं है, लेकिन मुसलमान के सामने कहते रहीम बाबा आप होके देखते हैं वही भगवान सामने खड़ा है, उठाकर गोद में लेते हैं, भगवान मैं आपका कपड़ा लाया हूं, जूता लाया हूं आपको पहनाने के लिए, का पहना दो, जूता पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, का रहीम बाबा हम आपका हो चुके हैं, आप जहां भी याद कीजिएगा आपके साथ हम रहेंगे, आप कहीं जाएगा जहां मुझे बुलाएगा आपका मैं साथ ले। दर्शन किया भगवान का रहीम, और वह जीवन भर भगवान कृष्ण का पूजा करते रह गया, और जब शरीर छोड़ रहा था वो प्रार्थना किया हे भगवान यदि मैं मनुष्य बनूं, यदि मैं मनुष्य बनूं ब्रज का ग्वाल बनूं, यदि मैं पशु बनूं नंद बाबा का गाय बनूं जो भगवान चराएगा हमको, हम घास खाएंगे दूध देंगे भगवान खाएगा, यदि मनुष्य बनूं तो मैं ग्वाल बनूं गाय चराऊंगा, यदि पशु बनूं तो मैं गाय बनूं भगवान चराएगा। इसलिए जन्म होता है, जन्म होता है सबका, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति बिना कोई न पावे चैन, किसी को चैन नहीं है। इसलिए भगवान शंकर भी अपनी पत्नी के कहने पर बढ़िया घर बनाकर दिया था। ये लोग भी एक भाई वहां चला गया, एक भाई यहां पर है, एक भाई घर बना लेंगे घर द्वार, इसलिए नया जो घर बना रहे हैं अच्छा काम किए है। नया हाल साल में आज पहला जनवरी है, जनवरी यहां होगा जनवरी, मैं सख साइकिल से गाड़ी जा रहा, कितना खसी गया है, कितना खसी चला गया गाड़ी में बैठ के,
कैप्टन भट्टी के पास इंतजार था उत्तर का, आपका सुपारी है, मैंने हाथ में लाइट गया था, मीना ने पढ़ा था हाथ में लेता पेपर लाइट सर, तब भट्टी के पास का गिरा हुआ था, जगह मेरे घर में घुसा कि माल दीजिए हमको। आज का दिन तो लोगों को प्रतिज्ञा करना चाहिए कि मैं आज से गलत काम नहीं करूं। धरती का देवता आप हैं, एक चींटी से हाथी तक आपको अख्तियार है, उनको पाल सकते हैं, मान सकते हैं, अख्तियार आपको है, देवता धरती का आप है, और ऐसा देवता अपने घर में पालो और काट रखा जाओ, यही देवता है धरती का। कितने लोग पालते खसी बकरी को, जब बारियता पैसा का बात कर लेते हैं, मुंह घुमा लेते हैं, कसैया पटका दिया है तो बोलने के गाड़ी निकल जाता है। धरती का देवता मुझको बुलाकर भेजा है परमात्मा, सम प्रिय सम मम उपजाए, सबसे अधिक मनोज मुनि भाई, सबसे मेरा प्यारा है, सबसे अधिक ये मनुष्य प्यारा है। कौन गाते हैं? भगवान राम। अब मनुष्य क्या गाता है? सब मेरे लिए बनाकर भगवान दिया है, भगवान सब मेरा प्रिय जीव है, सबको मैं बनाया हूं, सब मेरा प्रिय जीव है, और मैं मनुष्य को अधिक मानता हूं, अधिक बुद्धि दिया हूं मैं मनुष्य को, लेकिन मनुष्य सोचता है भगवान बड़ा कर दिया है हमारा पेट भरने के लिए, सबको बना कर दिया तुम खाओ पियो पेट को भरो, इसलिए नहीं दिया है। अब कर्म को बिगाड़ रहे हैं, जितना जीव मारेंगे आप उससे बदला आपसे लेगा, वो आपसे लेगा, कर्म खराब कर रहे हैं आप। स्वर्ण कसाई के बारे में सुनते हैं, वो कसाई था, खसी काटता और बेचता था, संयोग से एक दिन ग्राहक रात में आ गया, कहा कि हमको मांस दीजिए, काफी तो मांस है नहीं, सुबह काटेंगे तब आपको देंगे, कहा नहीं अभी चाहिए, बड़का खसी लाया था। कसाई सोचते ही बड़का गाहकी है मेरा, रोज का गाहक है ये, गाहक छूट नहीं जाए तो तलवार लिया, क्या क्या खस्सी का पैर काट लेंगे, गाहक को दे देंगे, तलवार लिया काट जाते, खस्सी हंसता और बोलता है, खस्सी हंसता है और बोलता भी, क्या बोलता है, नया लेन देन शुरू कर रहे हो, ये दिन क्या नया शुरू कर रहे हो, एक बार कसाई तो बकरा हम कसाई बकरा तो ये बनते हुए आ रहे आज तक, आप नया लेन देन तुम पैर काटोगे हमारा, ठीक है काटो, और जब हम मने हम भी तुम्हारा पैर बड़े काटेंगे, ज्ञान हो गया, इतना खस्सी बड़ा काटे बोलते नहीं सुने थे, मानो भगवान ज्ञान दिया, कसाई का काम छोड़ दिया, उस बकरा का मंदिर बना दिया, सेवा करने का, जब बकरा मर गया पत्थर की मूर्ति बना दिया, वो मूर्ति आज पंजाब में बकरा का मंदिर बना हुआ, कहने का भाव, जिससे ज्ञान मिल जाए वही गुरु होता है, ने बकरा ज्ञान दिया कसाई को, वो काम छोड़ दिया, अपने को संभाल लिया, लेकिन लाख कही खाने वाला मानने वाला नहीं, दया की ये जीव पर, और हिंसा प्रमोद्रमा, जो जीवन है वैसे पालन किया है, नहीं खाया पिया है, कोई कितने जग कर लिया है उनका भरा नहीं कर सकता है, जो वैष्णव केवल है, कोई कर्म नहीं किया वो वैष्णव केवल है, बहुत सौ साल जग किया है वो इसका भरा नहीं कर सकता है, जो सौ साल जग किया है वैष्णव है, गुरु कर लिया है और बड़का काम कर लिया है, खाता खुला हुआ है उनका, जो भी करता है वो खाता में जाता है, गुरु बिनमाला फेरता गुरु करता दान, निष्फल गया बूढ़ो विद्वान, सोना काए न लगे लोहा गुण न खाए, भला बुरा गुरु भगत कभी नरक नहीं जाए, चाहे भला है या बुरा है, नरक में नहीं, नरक क्या है, नरक ही है मनुष्य छूट जाएगा, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी बना देगा उसमें आपको रहना पड़ेगा, ये नरक आपके लिए होगा, नरक रखा हुआ नहीं सब धरती पर ही, मनुष्य छीन लेगा आप जो भावना किए हैं, शरीर छूटेगा वही शरीर मिलेगा आपको, कब तक के लिए, जितना रुओ
वो इतना दिन तक मनुष्य से हाथ में आता नहीं आएगा। निवेदन करते हैं कुंजी बचा लीजिए मनुष्य का कुंजी। हम लोग गाते रहे हैं सुन सुन के सजनी अबरी समय आ गेलो मांगनी नफा करे ऐले मूल गमोल ऊपर से ले ले जम के लादानी सुन सुन के सजनी। सजनी का जितने जीव हैं चाहे पुरुष हो नारी हो जीव नारी है नफा करने आए थे मनुष्य से उन्नति करते मुक्ति प्राप्त करते यहाँ पूंजी खत्म कर दिए मनुष्य ने छीन लेगा कुत्ता बिल्ली बना देगा तब कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे विचारी हो मनुष्य है बुद्धि का योग कीजिए। इसलिए सत्संग क्या है ये बुद्धि का योग करने का मौका मिला है। ये शरीर कितनों खराब पहन बनाने क्या मरेंगे नहीं जो कर्म किए हैं वो फल आपको भोगना पड़ेगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करही तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है आपसे शुभ कर्म होता है अशुभ कर्म होता है इनका फल आपको आता है। शुभ कर्म आपको सुख में ले जाएगा अशुभ कर्म करेंगे आपका दुख में आएगा मर्जी आपका है। शुभ कर्म करें सुख मिलेगा जीवन में अशुभ कर्म करेंगे आपको दुख आएगा जीवन में। आप सुख निर्माता हैं सब चाहते हैं सुख सुख का काम कीजिए जितना जीव है सबका भला कीजिए सताइए नहीं उपकार कीजिए। पर उपकार सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अगमाही। और कहते भगवान राम कहते उपकार करना पुण्य का काम है और पीड़ा देना दुख का काम है। जब काटते खस्सी को तो दर्द उसको नहीं होता होगा जब खस्सी काटता होगा कितना दर्द करता होगा और भी करता है तो पट्टी बांधते हैं उसको कल पढ़ते कितना हो गया है मनुष्य हृदयी नहीं बोलते दुनिया में क्या क्या परमात्मा बनाए खाने पीने के लिए जो नहीं खाना चाहिए वो खा बर्बाद करते हैं जीवन को। इसलिए मनुष्य पूंजी मिला है इसको व्यर्थ मत गमाइए नफा तो पूंजी बचाइए रोज फिर मनुष्य बनेंगे मिलेगा तो फिर आप भक्ति करेंगे आगे। अगर बिना गुरु का से छूट गया तो शरीर छीन लेगा। बोलिए प्रेम से श्री शत्रु महाराज की जय। श्री शत्रु महाराज की जय। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला का देंगे तुमको
Yeah.